हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक भेज स्टार्टर जो फटाफट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी पेपर फ्राई। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोभी पेपर फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ गोभी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे गोभी। गैस का फ्लेम हाई रखें और हाई फ्लेम में ही हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद हम गोभी को पलट देंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए गोभी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम टिश्यू पेपर में निकाल देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बाकी के बचा हुआ गोभी को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सारी गोभी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे। मैंने सेम कढ़ाई यूज किया है यहाँ पर। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता, एक बार इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले से भी डाला है गोभी में। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे फ्राइड गोभी। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता, अब इसको हाई फ्लेम में हम एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।